नमस्कार प्यारे बच्चों इस वीडियो में टेंथ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर सिक्स ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री कर रहे हैं और हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है सिक्स पॉइंट थ्री स्टेटमेंट क्या है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल दोनों ट्राइंगल्स में उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए गए हैं देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रपोर्सन अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शन में होंगी और यही हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में किया था कि दो ट्रैंगल्स अगर हमारे पास सिमिलर हैं तो उनके लिए दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे और उनकी साइड प्रोपोर्शन में होंगी हमें यहाँ पे सिर्फ कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल दिया हुआ साइड जो है प्रोपोर्शन में हमें प्रूव करनी है देखिए यहाँ पर हम टू ट्रैंगल्स मान लेते हैं लेट दिस इज ट्रैंगल ए बी सी एंड दिस इज ट्रैंगल डी ई एफ यहाँ पे एंगल ए डी के इक्वल दिया हुआ है एंगल बी ई के इक्वल दिया हुआ और एंगल सी एफ के इक्वल ये हमें दिया हुआ है सोल्यूशन में देखिए गिवन क्या है इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी ई एफ एंगल ए एंगल डी के इक्वल है एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है तो प्रूव हमें प्रूव करना है कि इनका जो कॉरस्पिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ दैट इज ट्रैंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रैंगल डी ई एफ ये हमने प्रूव करना है चलिए हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन की हमने कुछ और उसमें ए बी के इक्वल यहाँ कट कर लिया हमने डी पी और डी क्यू ए सी के इक्वल इसके इक्वल डी पी ए सी के इक्वल डी क्यू हमने कट किया और पी क्यू को मिला दिया कट डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी ज्वाइन पी क्यू प्रूफ अब इस ट्रैंगल में और इस ट्रैंगल में ले रहे हैं हम इन ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी पी क्यू क्या ये कांग्रेट होंगी यस yes, अभी चेक करते हैं ए बी इज इक्वल टू डी पी अभी हमने किया था और ए सी इज इक्वल टू डी किससे है ये बाई कंस्ट्रक्शन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ये वाला एंगल इसके इक्वल तो साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड ये हमें गिवन है बाय साइड एंगल साइड रूल ये ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रैंगल डी पी क्यू के हो गया ठीक है अगर ऐसा हो गया तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल पी के दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू रीजन क्या होता है सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रैंगल अब बी पी के इक्वल बी ई के भी इक्वल है के क्यों के इक्वल बट C F के भी इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये हमें गिवन है यहाँ से क्या हो गया सो so, एंगल P इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ देखो ये इसके इक्वल हो गया ये इसके इक्वल हो गया अगर ऐसा है तो ये दोनों जो लाइनें हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी दिस इंप्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ भाई ये हमारे कॉरस्पोंडिंग एंगल्स हैं अगर दो लाइनों में कॉरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हों तो वो लाइनें क्या हो जाती हैं पैरेलल हो जाती हैं तो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ अब इस ट्रेंगल में हम ले रहे हैं इन ट्रैंगल डी ई एफ डी ई एफ पी क्यू जो है वो पैरेलल है ई एफ की बाई बी पी टी अब हम यहाँ पे बी पी टी का यूज़ कर रहे हैं अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जाए वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो रेशो क्या होता है उनका इक्वल होता है बाय बीपीटी डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ अब डीपी की जगह ए बी यहाँ पे पुट कर दें तो ए बी अपॉन पी ई आएगा और डी क्यू की जगह हम बात करें ए सी ए बी अपॉन पी ए सी अपॉन क्यू एफ बट मुझे क्यू एफ और पी ई -E नहीं चाहिए मुझे तो ए बी अपॉन डी चाहिए तो यहाँ पे हमें किसको बदलना है पी ई -E को किस में बदलना है डी ई -E में बदलना है इसके लिए क्या करेंगे इसको इन्वर्स कर दीजिए अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब इनका इन्वर्स भी क्या होगा पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू ठीक है दोनों तरफ क्या कर दें वन ऐड कर देते हैं क्योंकि पूरा बनाने के लिए जब हम इसमें ये ऐड करेंगे तभी तो पूरा बनेगा सो पी ई अपोन डी पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू एफ अपोन डी क्यू प्लस का वन एल्शियम हो गया डी पी पी ई प्लस डी पी डी क्यू क्यू एफ प्लस डी क्यू ना पी ई प्लस डी पी पी प्लस डी पी की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास डी ई -E बन रही है और डिवाइडेड बाई डी पी यहां से क्यू एफ प्लस डी क्यू क्यू एफ प्लस डी क्यू हमारे पास क्या बन रहा है डी एफ दैट इज डी एफ अपॉन डी क्यू ठीक है अब इसको अगर रिवर्स कर देते हैं दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या बन जाएगा डी पी अपॉन डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यों अपॉन डी एफ अब डी पी की जगह ए बी पुट कर सकते हैं क्यों क्योंकि हमने वो कंस्ट्रक्शन से लिया था सो डी पी की जगह मैंने पुट कर दिया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ AB upon एंड ए सी अपॉन डी एफ दो साइड हमने इक्वल रेशियो में दिखा दी सिमिलरली दूसरी भी कर सकते हैं वी कैन प्रूव हम अगर इस तरफ इस तरह इंटरसेट कर देते तो दूसरी साइड हो जाती तो सिमिलरली वी कैन प्रूव ए बी अपॉन इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ तो हम हमने सारी की सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल रेशो में दैट इज प्रोपोर्शन में प्रूव कर दी हैंस प्रूव और यहाँ पे इन्होंने दो कंडीशन हो गई हमारे पास अब एंगल भी इक्वल हो गए साइड रेशो में हो गई दिस इम्प्लाइज ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद